नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्यों अंडकोश में किसी भी गांठ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्यों उसको एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए और क्यों उसको सीरियसली लेना चाहिए। अंडकोश या स्क्रॉटम में जब भी कोई गांठ महसूस होती है, आम तौर पे कई किस्म के उसके कारण होते हैं कि अंडकोश में कुछ अगर गांठ महसूस हो रही है, कोई लंप फील हो रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। आमतौर पे जो उसके कारण होते हैं वो नॉन कैंसरस ही होते हैं, लेकिन कैंसर एक उसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉन कैंसरस गांठें कौन सी होती हैं? हाइड्रोसील हो सकता है, एपिडिमल सिस्ट है, वेरिकोसील है, हर्निया हो सकता है, वहाँ पे कुछ नॉन कैंसरस ग्रोथ्स हो सकती हैं एपिडिडिमस के अंदर। तो ऐसे कई कारण हैं जो कि हार्मलेस हैं और आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इमिजिएटली, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि जो जानलेवा हो सकते हैं और अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए तो वो एक सीरियस रूप धारण कर सकते हैं। टेस्टिस कैंसर उसमें से एक है और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी उसमें से एक है। कैंसर आमतौर पे जो है वो पेनलेस होता है, अक्सर उसके अंदर कोई दर्द नहीं होती है, इसलिए कोई भी लंप और उसमें अगर कुछ पेन नहीं है तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी जो गांठें हैं वो कैंसर हो सकती हैं। और टेस्टिस कैंसर जो है अगर वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए तो उसका क्योर रेट बहुत अच्छा है, और 95% लोगों में उसका क्योर रेट बहुत अच्छा है अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। लेकिन अगर वो निग्लेक्ट हो जाता है, उसका डायग्नोसिस टाइमली नहीं होता है, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। और उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अक्सर जो टेस्टिस कैंसर हैं वो यंग एज में पाए जाते हैं, 20 से 40 साल की उम्र में। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिस में कोई भी लंप हो तो उसको आप ज़रूर अपना चेकअप कराएं। दूसरे जो कारण है ट्यूबरक्लोसिस है या इन्फेक्शन है, ये भी इजिली ट्रीटेबल हैं अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। फिर यंग बच्चों में अगर टॉर्जन जो है, टॉर्जन की वजह से भी लंप फॉर्मेशन हो सकती है, पेन हो सकता है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्क्रॉटम में अंडकोश की जगह कुछ भी अगर आपको कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है तो उसका चेकअप ज़रूर करवाएं। डायग्नोसिस अक्सर इजी होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कुछ बुनियादी टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड अगर हम करते हैं स्क्रॉटम का, तो उनमें मेजॉरिटी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं कि किस कारण से वहाँ पर लंप हो गया है या गांठ हो गई है, तो इजिली उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जो आपके जो बेटे हैं उनको स्पेशली ज़रूर यंग एज से सिखाया जाना चाहिए कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, नहाते टाइम वो अपने आप को चेक कैसे करें, और लंप अगर कोई है तो क्यों कैसे अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं वो, क्योंकि टेस्टिस कैंसर काफ़ी बार यंग एज में पाया जाता है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो ग्रोन अप पॉपुलेशन में ही पाया जाएगा, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। और कभी भी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी लगे तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो पाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज।